दिल्ली के JNU जाकर सुर्खियों में आई दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक ने पहले दिन कितनी की कमाई, या कि जो फिल्म इसके साथ आई उसने की कितनी कमाई, ये बात सभी सोच रहे होंगे और काफी लोगों को पता भी होगा। जिन्हें नहीं पता होगा उन्हें हम बता रहे हैं। अभी हाल ही में कल शुक्रवार को रिलीज हुई दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक ने उम्मीद के अनुरूप कमाई की है। मालती जी, आप अपना चेहरा दिखाएंगी ताकि पब्लिक को इस हिंसा की गहराई दिख सके। छपाक से 5 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद थी पहले दिन। इस फिल्म ने 4,71,00,000 रुपए की कमाई की है। पहले बनने तो दीजिए केस मैडम। अब सब कुछ ही रख देगी क्या? नाक नहीं है, कान नहीं है, झुमके कहाँ लटकाऊंगे। और अब बात करते हैं अजय देवगन की तानाजी की। जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। तानाजी से पहले दिन 16 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद थी। अब आप सोच रहे होंगे तो इसने कितनी कमाई की, ये भी कम नहीं रही, ये भी उम्मीद के अनुरूप ही रही कमाई में। तानाजी को पहले दिन 15,10,00,000 रुपए मिले। नाउ सुबेदार तानाजी मालुसरे। जी हां, दीपिका पादुकोण पर अजय देवगन भारी रहे, लेकिन ये फिल्मों के ऊपर डिपेंड करता है और जो फिल्मों के जानकार हैं उन्होंने ये बात रखी है कि 5 करोड़ रुपए की कमाई की दीपिका पादुकोण की छपाक से पहले दिन उम्मीद थी और 16 करोड़ रुपए की कमाई की तानाजी से पहले दिन उम्मीद थी। तो इस प्रकार ये दोनों ही फिल्में आशा के अनुरूप रही हैं, बल्कि अगर ये कहें कि आशा से थोड़ा सा कम तर रही हैं तो ज्यादा सही होगा। और आइए अब सुन लेते हैं कि इन फिल्मों को देखने वाले दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा। ब्रिलियंट, आई वुड से ब्रिलियंट मूवी, एवरीबडी शुड गो एंड वॉच एंड टिश्यू पेपर्स लेके जाना, बिकॉज इवन द मोस्ट क्या बोलो इनसेंसिटिव पीपल विल फील इट। यू माइट नॉट क्राई बट यू विल फील दैट इमोशन इन योर थ्रोट व्हेन योर थ्रोट गेट्स चोक्ड विद इमोशंस, पूरा आपको थिक लगेगा। एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड, वेरी रिलेटेबल। एंड आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, सो व्हेन दिल्ली के पार्ट्स दिखाई कि एक नॉर्मल लड़की घर से निकल के जा रही है, शॉप कर रही है, समबडी जस्ट ऐसे उसको करते हैं, वो मुड़ के देखती है उसके मुंह पे एसिड। सो इट वाज लाइक व्हाट डू आई से, इट टुक अ लिटिल टाइम टू सिंक इन कि यार ये किसी के साथ भी हो सकता है, आप ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं हो सकता। ओ माई गॉड, दीपिका इज़ ब्रिलियंट। मतलब यू विल नॉट फील कि यार ये कोई स्टार है जिसने शाहरुख खान और इन सब के साथ काम किया है, यू फील कि आपकी कोई फ्रेंड एक्ट कर रही है वहाँ जाके। मतलब बहुत रिलेटेबल था। आई वुड से दैट इज़ रिडिक्यूलस। पहले एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि ऑल द स्टार्स दे गो देयर फॉर प्रमोशन, कि चलो हमारी मूवी प्रमोट हो जाएगी, बट ऑल द मोर शी इज़ अ प्रोड्यूसर, शी हैज़ हायर स्टेक्स ऑफ लूजिंग मनी। बट इन स्पाइट ऑफ दैट दिल्ली में वो गई एंड उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सो मैड रिस्पेक्ट फॉर दीपिका पादुकोण। I'll give 4.5. Thank you. बहुत अच्छी लगी। Yeah. बहुत अच्छी पसंद आई। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड अ वेरी सेंसिटिव फिल्म। मेघना गुलजार की बहुत अच्छा, मेघना गुलजार ने डन अ वेरी गुड जॉब। दीपिका पादुकोण एज अ मालती कितना पसंद आई? वेरी नाइस, आई थिंक शी इज डन अ ग्रेट जॉब, शी इज अ वेरी गुड एक्टर एंड शी इज डन रियली वेल। बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा दैट यू नो वुमेन स्टैंडिंग फॉर ईच अदर, जैसे जो मालती का कोर्ट केस इन्होंने लड़ा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। So you know, I really liked how women were supporting each other throughout and they were fighting for each other. So that's what I like the most. Deepika JNU jab se gayi hai aur unko boycott kiya ja raha hai aur unki movie Chhapak ko boycott kiya ja raha hai. Main khud student hu to main to I support Deepika, aur ek actor ki voice honi chahiye aur Deepika ki voice hai which is great, aur jo baki ke actors hai jo bilkul baat nahi kar rahe hain, chup chap ghar pe baith ke coffee chai pee rahe hain, main unhe bolungi wo bhi jaye JNU. हाँ, दैट इट्स अ फिल्म अबाउट ट्रायम्फ, कि आप लड़ते रहो अपनी लड़ाई और कभी गिव अप मत करो। 5.
बहुत अच्छी मूवी है। दीपिका पादुकोण को जब मैंने देखा तो लगा कि मुझे मालती अग्रवाल को देख रहा हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग की है दीपिका जी ने, खास करके फिल्म जो मेघना जी ने फिल्म बनाई बहुत माइंड ब्लोइंग, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मूवी को एक बार जरूर देखें। बिल्कुल, इस पिक्चर को खास करके हम जैसे यंग लड़कों को देखना चाहिए और किसी भी माँ बहन के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें, और मैं इस पे एग्री हूँ कि बिल्कुल इंडिया में एसिड पे बैन ना करना चाहिए। मैं बिल्कुल, पॉलिटिक्स अलग है और हम लोगों का इंटरटेन अलग है, तो मैं इसमें दोनों का मिक्सअप नहीं करना चाहता हूँ, और इंटरटेन के लिए मूवी देखनी चाहिए। तो इसके बाद मैं तानाजी भी देखूँगा, और दोनों अच्छी पिक्चर है, तो मैं ये पिक्चर देखा हूँ, जब वो देखूंगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। दीपिका जी का बस सबसे बेस्ट मूवी में ये लगा कि वो इतने प्रॉब्लम होने के बाद भी वो हार नहीं मानी और उसके अगेंस्ट में लड़ती रही और लास्ट में वो जीती। ओके, 3.5। द मूवी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई मीन टू से ऐसे मूवीज बननी चाहिए। हम क्यों साउथ इंडिया में, देखो इंडिया तो इंडिया है एज अ कंट्री, चाहे कोई मूवी साउथ से आए, नॉर्थ से आए, ईस्ट से आए, वेस्ट से आए, वी हैव टू बी एंटरटेन्ड। इफ वी आर एंटरटेन्ड इन द हॉल, वी लव द मूवी। बाहुबली की 3-4 सालों से बात हो रही है, क्यों, व्हाई, वेयर वर वी, कहां थे हम। अजय देवगन जिनके घर से एक्शन निकलती है वीरू देवगन के साथ, आई थिंक nobody could have done better than Ajay Devgan. If you're listening to me, Ajay Devgan, I have seen your movies, but this movie made me your fan. Okay, so gaane aur dialogues ke bare mein kya batana chahenge, kitna powerful dialogues, bahut paper, you know, jo paper pe dialogues likhe jate hain unko read karte hain, pehle read karke deliver karte hain, तो पेपर पे बहुत डिसेंट है, बट जब वो डिलीवर होते हैं कैमरा के सामने और ऑडियंस के सामने सुनाई देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, स्टोरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से इस स्टोरी की गई है, आपको सुनाई? देखिए, पुस्तकों में, किताबों में हमने पढ़ा है कि तानाजी का एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया था, कैसे वो ब्रेव मावल मराठा थे। अब जाके वो जो एक पैराग्राफ है वो 2-2.5 घंटे में कन्वर्ट होके एक बड़ा विजुअल आ चुका है हिंदुस्तान में, तानाजी मालुसरे। ओके, अगर कोई डायलॉग्स या सॉन्ग से गा सके। देखो, रा 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 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स। अभी सॉन्ग तो मैं नहीं गा सकता, सुरेश वाड़ेकर से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, ना ही सोनू निगम से ली है, पर BGM ऑफ दिस मूवी इज फिनोमिनल। एक सेकंड के लिए, लेट मी टेल यू, मैंने पूरे जिंदगी में ऐसा फील नहीं किया है। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि अजय देवगन ने जस्ट कम आउट ऑफ द स्क्रीन, ही इज क्रैश द स्क्रीन, वो बाहर आ चुके हैं, इतना कमाल। ओके, सो इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? बेस्ट पार्ट, बहुत सारे बेस्ट पार्ट्स हैं, फ्रॉम A to Z, जैसे मैंने कहा, हर एक अल्फाबेट एक्शन का परफेक्ट जा चुका है। अजय देवगन हैज जस्ट क्रैश द स्क्रीन्स। ऑलराइट, Ajay Devgan is gonna roar for 300 crore this time. I'm not a fan of Ajay Devgan. I saw it for the first time and I became a fan. Okay, so is movie ko agar out of 5 dena hoga to kitna doge? Main stars nahi dunga. Main stars kaun hota hu? Stars to wo hain jinhone apne stars yani mehnat ke stars deke ye movie banayi hai. I think 5 mein se 10 ho sakte hain, 11 ho sakte hain, 100 ho sakte hain, sab de dalo, because India is a population of emotions. And Bollywood is the best place which knows how emotions can run and trigger in every scene. Okay, so audience ko ye movie dekhni chahiye. Arey madam, itne der se boli to. Dekhiye audience ko kya? Duniya ke kisi koi bhi aaye, aapko, aap apne doston ke saath jaiye, family ke saath jaiye, bas jaate jaiye. I'm not a fan of Ajay Devgan. I have become a fan of Ajay Devgan. सबसे ज़्यादा तानाजी का रोल बहुत पसंद आया। तानाजी का रोल पसंद आया। और शरद केलकर का भी बहुत एक्टिंग अच्छा था। अच्छा। उनका शिवाजी महाराज का रोल था, वो भी बहुत अच्छा था। अजय देवगन और काजोल के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कैसे लगे उनकी? बहुत, मूवी तो बहुत एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। मैम, आपको मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ पसंद आया इस मूवी में? तानाजी का रोल है, नेट काजोल का भी बहुत अच्छा रोल है। सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा इस मूवी का? जो लास्ट एंडिंग है वो ही है सबसे बेस्ट। ओके, सबसे बेस्ट सीन आपको? लास्ट एंडिंग का बहुत सीन अच्छा था। आउट ऑफ 5 कितने स्टार हो गया आपको? 5 स्टार। तानाजी वाज गुड, इट्स अ वन टाइम वॉच फॉर मी। एक्शन वाज रियली गुड, सो वन मस्ट वॉच एक्चुअली फॉर एक्शन एंड सैफ अली खान, ही इज अमेजिंग इन द मूवी। सबको परफॉर्मेंस कितने पसंद आया आपको? मुझे
सैफ अली खान मुझे उनका नेगेटिव रोल वॉज वेरी गुड। सॉन्ग्स और डायलॉग्स की बात करें तो क्या पसंद आया आपको? सॉन्ग्स इतने नहीं हैं अच्छे, बट या डायलॉग्स एंड ऑल इज़ गुड। सो आई थिंक द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी इज़ बेटर देन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में ऐसे ही मतलब जितने ऐसे मूवीज दिखाए गए हैं सब सेम ही है कि हाँ एक देर इज मुगल एंड देर इज़ मराठा, तो दोनों के बीच में फाइट होती है, फिर आई वुड नॉट गिव द होल स्टोरी लाइन, बट इट्स सिमिलर दैट वी हैव सीन पहले भी मूवीज़ में, बट दिस इज़ ओनली फॉर एक्शन एंड सैफ अली खान आई वुड रिकमेंड। और 3D में देखें ये मूवी, इट्स बेटर। फर्स्ट हाफ में मुझे इतना पर्सनली ग्रिपिंग नहीं लगा, बट सेकेंड हाफ वॉज बेटर। जब एक्शन स्टार्ट होता है तभी पूरा यू नो द होल क्रिएशन, एवरीबडी वॉज शाउटिंग ऑल्सो इन द थिएटर एंड जय मराठा एंड यू नो हर हर महादेव, सो ऑल दैट इज देयर। दे कीप द ग्रिपिंग पार्ट टू द सेकेंड हाफ वेयर द एक्शन सीन इज देयर, दैट्स बेटर। आज के दिन छपाक भी रिलीज हुई है, सो इसके टक्कर में तानाजी। छपाक और आई थिंक तानाजी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही डिफरेंट स्टोरी लाइन है। वन इज़ रियल लाइफ इंसिडेंट और ये भी रियल लाइफ है, बट दिस इज़ हिस्ट्री। सो आई थिंक दोनों ही अच्छे रहेंगे। आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू वॉच छपाक ऑल्सो, बट दैट विल बी द नेक्स्ट मूवी टू वॉच। आई वुड गिव 3। बहुत खतरनाक, जय भवानी जय शिवाजी, बहुत खतरनाक मूवी। हाँ, डायरेक्शन पसंद आया, क्या नहीं सब कुछ पसंद आया मुझे इस फिल्म का। सबसे पहले अजय देवगन जी के बारे में बात करूंगा, मतलब वो तो परफॉर्मर है, बहुत अच्छा एक्टर है, उसके साथ उनकी आंखें आपको बहुत कुछ कह जाती है, बहुत कुछ बताती है, तो वो मतलब फिट है एकदम उस रोल में। मतलब एक्शन, एक लीडर, एक उत्साही, एक आक्रामक जो योद्धा था वो ओम राउत जी ने बखूबी उनको निभाया है इस फिल्म में। डायलॉग्स सबसे बढ़िया है, डायलॉग्स मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद आए, मतलब सबको डायलॉग है, मतलब जो लीड कैरेक्टर है उनको नहीं, बाकी के भी जो को स्टार्स हैं उनको भी बढ़िया बढ़िया डायलॉग दिए, तो मुझे बहुत पसंद आ गए। सबसे पहला डायलॉग अजय देवगन जी का मैं एक बताऊंगा कि जब सैफ अली खान कहते तू तो पागल है, तो बोलते हाँ मैं पागल हूँ स्वराज का, छत्रपति शिवाजी राजे का और इस मातृभूमि का। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया घमंड कर युद्ध कर, घमंड कर युद्ध कर, तांड सा युद्ध कर भयंकर। यस, गाया ना भी युद्ध कर भयंकर, तांड सा युद्ध कर भयंकर। छपाक भी आज ही रिलीज हुई है, सो ये फिल्म उसको टक्कर दे पाएगी? जी दे रही है, पूरी पूरी दे रही है, पूरे फायदे दूंगा। ताना जी मूवी मुझे ऐसी लगी कि भगवा जिनके खून में बस जाए उन्हें जान की परवाह कभी नहीं होती, बहुत गजब। जय शिवाजी महाराज, मतलब गजब का काम किया है सभी ने, पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी ये, मतलब सबके रिकॉर्ड तोड़ेगी। छपाक का नाम मेरे आगे मत लीजिए मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन लोगों की पिक्चर देखना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ाएं, जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हो, मैं उनकी पिक्चर नहीं देखना चाहता। ये फिल्म छपाक, इसमें जो बेचारी लक्ष्मी अग्रवाल है उस पर जो तेजाब फेंकने वाला जो बंदा था वो नदीम खान था, और उसको हिंदू राजेश दिखाया गया। राजेश शर्मा तो बेचारा म्यूजिक बना रहा है मुंबई में बैठ के, ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो ये गलत दिखाया गया है, तो मैं छपाक को बायकॉट करता हूँ। छपाक का जिक्र मत कीजिए मेरे आगे। ताना जी 5-5। पहले तो ये लग रहा था कि छपक क्यों टाइटल है, लाइक एसिड अटैक पे, तो वाई छपक? देन वी गॉट टू नो द sound of that acid throwing is chapak, so the movie is chapak. Naam bahut incredible hai, Meghna Gulzar did a very good job, Deepika Padukone was fabulous, matlab, and this last yeah. scene hila ke rakh de guys, we all cried. Sabse yeah. best part kaun se movie? The last scene was like horrible. Can you imagine that you are in a bridal makeup and something like that happens to you? She's not asking the best scene, that's the reverse scene. Pagal. Best scene was the reporter who married that girl. Yeah. That was the best scene for me. इस फिल्म का छपाक सॉन्ग वो कितना पसंद आया? वो मस्त था। मस्त था। वो that feel वाला सॉन्ग था, एनर्जेटिक एंड फील वाला सॉन्ग था वो। दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे? Fabulous. डायरेक्शन कितना पसंद आया मेघना गुलजार? बाप रे बाप, superb, like superb. ये फिल्म से भी एक मैसेज दी जा रही है, हाँ वो ऑडियंस तक पहुंच पाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि
पहले तो एसिड बैन होनी चाहिए और फिर जो एसिड दिमाग में है ना, थ्रो दैट आउट फर्स्ट. ये तो होनी चाहिए. 252 एसिड अटैक इन अ ईयर, हॉरिबल हॉरिबल थिंग. वी शुड थ्रो दैट आउट. मैसेज पहुँचना ही चाहिए. ओके, आज ही के दिन तानाजी भी रिलीज हुई है, सो उसके टक्कर में छपाक कितना परफॉर्म कर पाएगी बॉक्स ऑफिस? अब तक तानाजी देखी नहीं है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते. तो ना अपने अपने साइड पे अच्छे हैं. हाँ हाँ, अपने अपने जगह पे दोनों मूवी अच्छे. आउट ऑफ 5 स्टार कितने दोगे आप फॉर छपक? या 5 out of 5. या 5 stars. बहुत अच्छी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी और बहुत 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 ही बढ़िया काम था. सैफ अली खान का बहुत अच्छा काम था. नहीं, बहुत बहुत अच्छी थी, अच्छी थी और हर एक सीन बहुत एंटरटेनिंग था और 3D की वजह से और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. अच्छे थे, अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे. हाँ, out of 5. छपाक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, मेरी अवेयरनेस थोड़ी और बढ़ गई है. जो मेरी पहले सिंपथी थी एसिड अटैक वालों से, अब आई एम प्राउड कि देर आर सच पीपल हु टेक अ स्टैंड एंड हमें इंस्पायर करते हैं कि मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुंबई में आके जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं नहीं होता है, वो रो के डिप्रेशन में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, उनकी पहचान जा चुकी है, फिर भी वो लड़ते हैं. तो लक्ष्मी एज अ पर्सन, मोर देन द फिल्म, शी एज अ पर्सन इज गिविंग अस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड शी इज़ अ रियल हीरो. उन्होंने एग्जैक्टली इनैक्ट किया उन्हें. कहीं कहीं सीन्स पे तो ऐसे लग रही थी मानो शी इज़ मालती. मतलब उन्होंने उनके चलने का ढंग, बात करने का, स्माइल का, जिस तरह से वो ऐसे मुस्कुराती हैं सर नीचे करके, आई कुड रियली फील एज इफ शी इज़ कम्प्लीटली एनैक्टिंग हर सोल. सो दैट वॉज वन गुड पार्ट. शी इज़ एन अमेजिंग एंड ग्रेट एक्ट्रेस दैट वी नो. लेकिन सब ने अच्छा काम किया एंड इट्स अ मतलब इट्स अ कम्प्लीट ग्रुप वर्क विच हैज़ कम आउट. देखिए, मुझे उनकी डायरेक्शन बहुत पसंद है. मुझे तो आई वॉन्ट टू वर्क विथ हर, टू बी ऑनेस्ट. राजी जब देखा वॉज लाइक आई वॉन्ट टू वर्क विथ हर. फिर इसके बाद इनके जो अभी एडीज हैं उनसे मैंने बात की थी, जो प्रोस्थेटिक जो जिन्होंने जिन लेडी ने की हैं, शी इज़ एन फॉरेनर एंड मैं ट्राई कर रहा था उनसे मिलने के लिए बिकॉज आई एम क्वाइट एंथुजियास्टिक अबाउट द वे शी वर्क्स, उनका डायरेक्शन. मेरा एक इनपुट इस फिल्म में कि चलो आपने दिखाया कि एसिड गिरा, वो PIL हुआ, ये वो हुआ, अब उसने किया क्यों, थॉट प्रोसेस क्या था. जैसे अगर आपने पूरा एक फिल्म आई थी ना बॉम्बे के ऊपर जैसे अटैक हुआ था, उसमें दिखाया गया कि उनका ब्रेन वॉश कैसे किया गया था, व्हाई डिड दे डू इट. तो इस बंदे ने जो उसके ऊपर एसिड फेंका, उसकी परवरिश कैसे थी, लोग ऐसे करते क्यों हैं. अगर उस पर थोड़ा सा जोर दिया होता तो शायद, पर मे बी उनका नज़रिया कुछ और था. सो दैट्स ओनली वन इनपुट कि ये मे बी कुड हैव बीन बेटर इन दैट वे. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत चलने वाली है. आई एम ग्लैड कि इसके अगेंस्ट कोई ऐसी तामझाम वाली फिल्म नहीं आई है एंड इट्स गेटिंग इट्स ओन स्पेस. इवन मतलब ये दोनों टक्कर के मतलब है ही नहीं, मतलब ये अलग ही जोन है. ये आपको अवेयरनेस देती है, तानाजी आपको एक हिस्ट्री बताती है. इट्स मोर लाइक अ सिविक एंड दैट इज़ हिस्ट्री. सो दैट्स टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. दोनों के अलग अलग ऑडियंस होंगे लेकिन पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों होता है, क्या होता है, कैसे रहा, हु आर मोस्ट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस आइडिया, दे वुड कम एंड वॉच दिस फिल्म. जब से दीपिका जेएनयू से आई है, सो इस मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है, दीपिका को बॉयकॉट किया जा रहा है, सो इस पर आपका? इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बॉयकॉट करना ही नहीं चाहिए उनको. वो जहाँ चाहे जैसी चाहे वो जा सकती हैं, वो हमारे देश की नागरिक है और उनको पूरा राइट है. आई थिंक अगर कोई बोलता है बॉयकॉट करने को, डोंट लिसन टू देम. हु मतलब ये तो इनडायरेक्टली इनह्यूमैनिटी हो जा रही है. सो आई थिंक जस्ट टू इग्नोर, पीसफुली इग्नोर, नॉट टू रिटालिएट. बोलने वाले बोलेंगे, बोलने दो. मे बी वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, हमें उनका भी समझना चाहिए. लेट देम से. एंड दीपिका वेंट देयर, ओके चलो फिल्म प्रमोशन के लिए गई, अरे उसकी मर्जी है, वो जहाँ जाए जिस कारण के लिए भी जाओ, किसी को हानि तो नहीं कर रही है. सो आई थिंक दैट्स अ कम्प्लीट रॉन्ग थिंग टू डू. एंड टू मैंने कमेंट्स पढ़ी हैं कुछ, यू शुड नॉट टॉक टू अ वुमन लाइक दैट, दिस इज़ नॉट द वे यू ट्रीट अ वुमन. मतलब जो भी बोल रहे हैं ऐसे, ज़्यादातर लड़कों के मैसेजेस हैं. मैं उनको इतना बोलना चाहूँगा, यू बॉर्न फ्रॉम अ वुमन्स बॉडी, आप एक औरत के पेट से निकले हो, प्लीज़ लर्न टू रिस्पेक्ट अ वुमन. सो दैट्स व्हाट आई से. थैंक यू. व्हाट अ फाइव सेकंड. फाइव इज इट्स सो फाइव. फैंटास्टिक. इट इज माइंड ब्लोइंग. इट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ बॉलीवुड लाइक इन द रीसेंट टाइम्स. या स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है बिकॉज हम लोग को पता है पता है कि सिंहगढ़ को हमने वापस कैसे लिया था, तो सिंहगढ़ नाम कैसे पढ़ा गया, ये हमने स्कूल में पढ़ा है. बट काफ़ी छोटा, यू नो, देर इज़ नॉट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट इट, बट दिस मूवी गिव्स अ फुल स्केप अबाउट कि कैसे कैसा वो हुआ है,
क्या हमने एक मुहिम चलाई थी उसके लिए, बट इट्स लाइक ओवरऑल डायरेक्शन से लेके परफॉर्मेंस से VFX एवरीथिंग इज लाइक टॉप नॉच। अजय देवगन तो क्लास ही है, बट आई वॉज वेरी सरप्राइज बाई सैफ अली खान। ही इज मतलब जैसे वो खिलजी का पागलपंथी हमने देखा था रणवीर सिंह का, वैसे ही था, बट इट्स अमेजिंग। VFX एंड एक्शन, मतलब एक्शन ऐसा इलॉजिकल नहीं था, मतलब नॉर्मली ऐसा कुछ इलॉजिकल चीज़ें होते हैं, ग्रेविटी डिफाइंग होता है, वैसा नहीं था। इट्स लाइक हर चीज़ लॉजिकली चल रहा था। पैसे का तो कमान, बट आई डोंट नो हाउ मच मनी इट विल अर्न, बट क्रेडिबिलिटी दिस मूवी को सालों के लिए रहेगी। 5 5 star, अमेजिंग मूवी, सुपर्ब मूवी, मींस पैसा वसूल मूवी। आई विल रैंक ऑल थ्री एट द टॉप, तानाजी, सैफ अली खान, काजोल, अजय देवगन, ऑल थ्री वर फैबुलस। सुपर्ब डायरेक्शन, सुपर्ब स्क्रिप्ट और डायलॉग बहुत अच्छे लिखे गए हैं। इट्स मीन्स इमोशनली यू आर एंगेज थ्रू आउट द फिल्म। ऑफकोर्स 4.5, इट इज वर्थ वॉचिंग 4.5 स्टार्स। बहुत मजा आया मूवी में। सैफ अली खान का नेगेटिव रोल बहुत खा रहा है मूवी को, मतलब इट इज़ लाइक टोटली वन साइड मूवी हो रहा है सैफ अली खान के वजह से। उनका एक्ट बहुत, भले वो हार जाते हैं बट स्टिल अगर कोई पूछता है कि मूवी में सबसे बेस्ट एक्टिंग किसने की, तो आई वुड गो फॉर सैफ अली खान। उनका स्क्रीन प्ले अगर आप पूछोगे ना, तो लास्ट जो गाना रहता है उनमें उनका पूरा स्क्रीन प्ले मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स है, अच्छा है, क्यूट रोमांटिक लगता है, बट लास्ट गाने में ऐसा लगता है कि बार बार देखा जाए करके, 2 से 3 बार देखो तो भी काफ़ी नहीं है। सॉन्ग्स शिवराय जो सॉन्ग है, और लास्ट सॉन्ग वापस बोलूँगा, लास्ट सॉन्ग भी बहुत अच्छा था। और जो शिवराय है जब भी कोंडाना पे जाता है डांस के लिए, तभी वो मूवी वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। एंड डायलॉग्स में 2 डायलॉग है, एक तो जो ट्रेलर में आता है कि 2 बार भगवा होता है करके, एंड दूसरा डायलॉग है कि राइट हैंड आगे करके सीना पीछे रहना चाहिए करके, लेट मी रिकलेक्ट वन सेकंड क्या था। हाँ, कभी भी दुश्मन जो वार करते थे भी, हम अपना पहला बाइना हाथ आगे करते ना कि अपना सीना, तो वैसे ही मुझे आगे जाने दीजिए एंड समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ तो था, बट बहुत कैची डायलॉग है वो। 4.5 stars, बहुत अच्छी लगी। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन रिसेंटली। और मूवी देख के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए, इतना मतलब हमारा महाराष्ट्रियन कल्चर इतना रिच है और वैल्यू सिस्टम इतना स्ट्रांग है, वो दिखाया गया है उस टाइम के वॉरियर्स, वो ईरा को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। स्टोरी की जो डायरेक्शन है वो कितनी पसंद है? स्टोरी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, स्पेशली द एक्शन सीन्स हैव बीन शॉट रियली वेल। और जो अजय देवगन का रोल है या सैफ अली खान, बहुत ही वेल एज्ड कैरेक्टर्स है, बहुत ही वेल क्राफ्टेड रोल्स हैं। और कहीं भी ड्रैग नहीं किया मूवी को, पीरियड ड्रामा मूवीज़ को बहुत ड्रैग कर देते हैं, तो 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है, कहीं भी ड्रैग नहीं किया, आप इन्जॉय करेंगे, इन द एंड यू विल गेट गूज़बम्प्स, बहुत ही इमोशनल सीन्स हैं। सो वही है कि मतलब मूवी ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, एक शंकरा गाना है उसको बहुत अच्छे से लार्ज कैनवस पर शूट किया गया है, सो म्यूज़िक हो, सिनेमेटोग्राफी हो, एक्शन सीन्स हो, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अजय देवगन को तो है ही, अजय देवगन और काजोल दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत उभर के आई इतने सालों के बाद। और मुझे सैफ अली खान का किरदार बहुत अच्छा लगा, उदय भान का, आई थिंक ही जस्ट स्टैंड्स आउट। उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने वाइड रेंज ऑफ रोल्स कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत डिफरेंट टाइप का उन्होंने रोल किया। सबसे अच्छा वही, जैसे मैंने कहा, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं और मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। और ऐसी मूवीज़ में डायरेक्टर का विजन पता चलता है कि कहीं भी यू नो उन्होंने मूवी को ऐसे नहीं किया कि लोग बोर हो जाएं, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, सो बहुत ही ग्रिपिंग मूवी लगी मुझे। कोई ऐसे डायलॉग्स अगर बोर को बताएं या फिर सॉन्ग? हाँ, डायलॉग्स मुझे याद नहीं है, बट शंकरा गाना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज, पीपल शुड गो एंड वॉच इट। 3.5।